तो आराम नगर इतना फेमस क्यों है अमोंग एक्टर्स? लाइक मेरा काम तो हो गया, मुझे कास्टिंग बे में जाना था। क्या है, क्या खास बात है आराम नगर में? कहाँ है? देखो कितनी सुंदर जगह पे रहता हूँ मैं। सुनील शेट्टी सर का कास्टिंग कंपनी है, बहुत ही काम की जगह है आपके लिए। 2-3 राउंड ऑडिशन हुआ कास्टिंग बे में फॉर अ मूवी। देखो क्या हुआ, मेरे मुंह पे पसीने से दिख ही रहा होगा। सी दिस। तो लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट। हाय गाइस, व्हाट्स अप, इट्स मी योर फ्रेंड साहिल झा। और आज की वीडियो की मैंने कोई इंट्रो वगैरह रिकॉर्ड नहीं की घर पे, मैं डायरेक्ट आज यहाँ पे आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वैसे मैं हूँ अभी फ़िलहाल वर्सोवा में आराम नगर। तो मुझे आराम नगर आना था एक काम से, वो काम है कि मुझे कास्टिंग बे में जाना है, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना है, ऑडिशन नहीं मिलने के लिए जाना है। तो मैंने सोचा कि आराम नगर जा ही रहा हूँ काफ़ी दिनों के बाद, तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ आराम नगर के ऊपर कि आराम नगर इतना फेमस क्यों है, आखिर सब एक्टर के मुंह पे आराम नगर का नाम क्यों होता है। तो आज देखते हैं आराम नगर क्या है, क्या ख़ास बात है आराम नगर में, कहाँ है, लेट्स सी। तो लेट्स गो। और गर्मी कितनी है इसका अंदाज़ा तो मेरे मुंह पे पसीने से दिख ही रहा होगा। सी दिस। तो चलो चलते हैं, पहले कास्टिंग बे जाते हैं। कास्टिंग बे जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, कास्टिंग बे एक बहुत ही बड़ा कास्टिंग कंपनी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ की कास्टिंग की है। तो जाना है एक काम के सिलसिले में वहाँ, चलते हैं आगे आगे, सब बताता हूँ मैं। ओके ओके, सो दिस इज़ FTC, अपने सुनील शेट्टी सर का कास्टिंग कंपनी है ये, जहाँ पर ऑडिशंस वगैरह कभी होते ही नहीं है। तो गाइज मैं कास्टिंग बे से आ चुका हूँ बाहर। गर्मी ना कुछ ज़्यादा ही हो रही है आज। मैं ना नहीं चाहता कि मेरा तबीयत ख़राब हो जाए, मतलब घर से लेके अभी तक मेरा चेहरा सिर्फ 2 बार सूखा है, एक मेट्रो में और एक अभी कास्टिंग बे की ऑफिस में। बहुत एक्सट्रीम गर्मी है और ये मतलब तबीयत ख़राब कर देने वाली गर्मी है। तो ज़्यादा नहीं घूमूंगा मैं, कोई शांत जगह ढूंढ के आज का वीडियो कम्प्लीट करता हूँ मैं आराम नगर के बारे में। उसके पहले बता दूँ कि मैं कास्टिंग बे क्यों गया था। तो देखो आप लोग अगर एक्टर हो, नॉन एक्टर भी हो, तो आपको समझना चाहिए या फिर आप लोग समझते होंगे कि एक एक्टर हर चीज़ रिवील नहीं कर सकता, यू नो। तो यस, कास्टिंग बे में ऑडिशंस वगैरह हुए मेरे कुछ, और सिलेक्शन भी हुए हैं, बट येट आई कांट डिस्क्लोज एनीथिंग राइट नाउ, मतलब मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता। बस इतना बता देता हूँ कि यस, रिकॉग्नाइजेशन मिलती है आपको ऑनलाइन भी, मैंने ऑनलाइन ही प्रोफाइल सेंड किया था काफ़ी टाइम पहले। इनफैक्ट मुझे यशराज फिल्म से भी मेल का रिप्लाई आया था कुछ महीनों बाद, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कहीं पे। तो मींस कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड कास्टिंग कंपनीज जो है वो एक्टर्स को रिकॉग्नाइज करती है, जैसा मुझे लगता था कि पहले नहीं होते, ऑनलाइन ऐसे ही भेज देते, ऐसा नहीं होता। बट यस, आपको रिप्लाई आएगा इफ़ आपका प्रोफाइल अच्छा है एंड आप अच्छा ऑडिशन दे रहे हो। तो मेरा 2-3 राउंड ऑडिशन हुआ कास्टिंग बे में फॉर अ मूवी, फॉर अ प्राइमरी कैरेक्टर, यू नो। अगर ये हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। मींस देखो, हर चीज़ कंफर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं कंफर्मेशन के बाद तुरंत बताऊंगा, पहले यूट्यूब पे ही मैं सबको बताने वाला हूँ। तो लेट्स सी, आगे चलते हैं, बहुत गर्मी है, मेरे को कोई ठंडी जगह ढूंढनी है, तो चलते हैं। ये व्लॉग के चक्कर में क्या क्या होता है मेरे साथ दिखाओ। 2 मिनट के लिए मैंने बैग बाइक पे रखा, देखो क्या हुआ। बाइक वाले को मुझे थैंक्स कहना चाहिए, उसका बाइक गंदा होने से बचा दिया मैंने। तो गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, जा रहा हूँ मैं अंदर ठंडा होने। ATM का भी AC बंद था, नहीं होगा मेरे से, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, टूट गया मैं तो अब। मैंने मौत की मानिंदा ना, छोटे खाले स्ट्रोफक ड्रामा, विद द बॉयज यू बॉयज कैन सिट विद, वो तो सड़ते हैं आई काउंट कॉमास, देन अ ड्राइवर क्रेज है स्टैथम, देन अ बेंड हर डाउन लाइक बैकम, ये है लंदन टाउन तो मैं स्टॉर्मसी, देता लमसम सब पे यू नो मी, ये शार्ट ये टेंपर लूज करूं, आई आखिर क्या मैं तुम्हें यूज करूं, बोला भाई ये तो मतलब भाई है ब्रो, क्योंकि बीट तो मैं खुद भी प्रोड्यूस करूं। तो देखो बात ये है कि मेरा काम तो हो गया, मुझे कास्टिंग बे में जाना था, मिलना था, मिल लिया मैं। वहाँ से चाहता तो ऑटो या बस लेके स्टेशन चले जाता और घर चले जाता, बट मैं इतना घूम रहा हूँ
बस एक खाली जगह ढूंढने के लिए, शांत जगह ढूंढने के लिए कि मैं ये व्लॉग कंप्लीट कर पाऊँ और जो भी मुझे बोलना है इस व्लॉग में वो मैं बोल पाऊँ ठीक से। बट मुझे कहीं पे भी खाली जगह या शांत जगह दिख नहीं रही। तो बहुत बहुत घूमने के बाद मुझे याद आया कि मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ और उस बिल्डिंग में टेरेस भी है। तो मैं आ गया टेरेस पे और देखो मैं कितनी सुंदर जगह पे रहता हूँ। ऐसे सनसेट्स तुम्हें खाली इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे, है ना। तो लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट। और आज का पॉइंट अपना कुछ ऐसा वो नहीं है, मतलब मैं आप लोगों को आराम नगर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि मतलब क्यों इतना फेमस है आराम नगर अमॉन्ग एक्टर्स। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। देखो अगर मैं यहाँ से गिर गया तो ये वीडियो तो अपलोड हो नहीं पाएगी, है ना। तो इससे अच्छा थोड़ा नीचे उतर के बात करते हैं, यू नो सेफ रहेगा। तो साथ में उतरते चलो। ये सीढ़ी थोड़ी सी डेंजर है। जोश जोश में ना मैं व्यू दिखाने के चक्कर में चढ़ गया, अब उतरने नहीं हो रहा मेरे को। उतर रहा हूँ मैं थोड़ा। ओके, तो व्हाट इज़ आराम नगर, मतलब व्हाट इज़ नहीं, आराम नगर जगह ही है एक। तो आराम नगर क्या है, जगह है आराम नगर, ठीक है। तो आराम नगर इतना फेमस क्यों है अमॉन्ग एक्टर्स, लाइक नॉट ओनली स्ट्रगलिंग एक्टर्स। हाँ, आराम नगर सारे एक्टर्स के लिए। आराम नगर एक जगह है जहाँ पे बॉलीवुड के बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं और आराम नगर बहुत देखो तुम लोग डिसलाइक कर दो, मैं डिसर्व करता हूँ, मानता हूँ मैं, ठीक है कर दो डिसलाइक। ख़त्म हो गया यार मैं तो। ओके, तो सॉरी गाइस, मतलब थोड़ा हो जाता है यार कभी कभी। तो बता देता हूँ मैं आराम नगर क्या है एक्चुअली। तो आराम नगर, पहले तो बता देता हूँ आराम नगर जाना कैसे। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, लोकल ट्रेन से, तो अंधेरी उतर के आपको वेस्ट में आके बस ले सकते हो वर्सोवा की यारी रोड वाली, या तो फिर आप मेट्रो भी ले सकते हो एंड आराम नगर जा सकते हो। आपको वो सब मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस में है। तो आराम नगर क्यों इतना ज़्यादा फेमस है अमॉन्ग एक्टर्स, लाइक देखो आराम नगर की हिस्ट्री है। लाइक बहुत ही पहले से आराम नगर में काफ़ी सारे कास्टिंग डिपार्टमेंट्स थे और इसका कोई ऐसा मेन रीज़न नहीं है कि वहीं पे सारे कास्टिंग डिपार्टमेंट क्यों है बड़े बड़े। तो पहले किसी ने स्टार्ट किया एक ने, फिर उसको देख के और दूसरा कास्टिंग डिपार्टमेंट आ गया वहाँ पे, ऐसे कर करके बहुत सारे कास्टिंग डिपार्टमेंट्स आ गए आराम नगर में। एंड आज भी मेजरली आराम नगर में मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ और एड्स के भी होते हैं कास्टिंग, बट सीरियल्स वगैरह के नहीं होते। सीरियल वगैरह के ना अपना महाड़ा साइड होता है, ठीक है। तो यस, आराम नगर पे ऑडिशंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड आप लोग को एक और बात बता दूँ कि ऐसा कोई एक्टर नहीं होगा अभी इंडिया में, इंडिया नॉट बॉलीवुड में, जिसने आज तक कभी आराम नगर विज़िट नहीं किया होगा। सीरियसली, मतलब लिख के दे सकता हूँ मैं ये कि हर एक एक्टर ने आराम नगर विज़िट किया है, बड़े से बड़ा अभी तक करता है, क्योंकि हर एक्टर को ऑडिशन देना ही पड़ता है, यू नो। तो ऑडिशन देने के लिए आराम नगर विज़िट करना ही पड़ता है और रहते भी हैं वहाँ पे, मींस काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं वर्सोवा साइड, आराम नगर साइड। तो यही था, मतलब आराम नगर बहुत ही काम की जगह है आपके लिए, अगर आप एक्टर हो तो, यू नो। आप मतलब जाओगे ना आपको हर, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ऑडिशन होता है, ये एक बहुत लोगों को मिथ होता है कि आराम नगर में सिर्फ ऑडिशन होते, सिर्फ ऑडिशन के लिए ही वो जगह बनाई गई है, ऐसा नहीं है। वो रेसिडेंशियल जगह है, जैसे नॉर्मल, जैसे ये सब जगह है ना, जैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, वैसे ही आराम नगर भी। तो यही था, मतलब आराम नगर जगह है एक नॉर्मल सी जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, बहुत सारे बंगलोज है बनाए गए जिसमें कास्टिंग डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो यस, एक तो देखो मैं टेरेस पे जब भी आता हूँ ना, टेरेस हमेशा शांत रहता है, बट आज मैं वीडियो बनाने आ रहा हूँ ना, ये आवाज़ सुनाई दे रही है, मेरे को बहुत इरिटेशन हो रहा है आज। मैं अभी बंद करने वाला, मैं मोबाइल वोबाइल फोड़ दूंगा मेरा। तो आराम नगर एक जगह है जहाँ पे ऑडिशन होती है बहुत सारी, ठीक है, दैट्स इट, ख़त्म करो वीडियो। मेरे को नहीं बोलना ही नहीं है, मेरे को कर दो डिसलाइक,